फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोगों ने मेथड्स सारे कवर कर लिए हैं। हम लोग मेथड्स और अप्रोचेस पढ़ रहे थे इंग्लिश की, जिसमें मैंने सारे मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स आपको बता दिए। अब हम अपने इस वीडियो में अप्रोच स्टार्ट करेंगे। और जो फर्स्ट अप्रोच मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। और ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि डिटेल में पढ़ना जो है वो एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरे जो भी एग्ज़ाम है, जैसे KVS है, DSSSB, सब में आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। तो ये वीडियो दो पार्ट्स में बनेगा। तो फ्रेंड्स, आप एक भी पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको कंफ्यूजन हो सकती है क्वेश्चन में। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, अप्रोच और मेथड में डिफरेंस क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच को हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण, यानी हमारा एक विचार है, हमारी एक सोच है, हमारा एक आइडिया है कि हमें बच्चे को ये चीज़ सिखानी है। अब अप्रोच के अंदर आते हैं मेथड्स, यानी हमें उस अप्रोच को कैसे अप्लाई करना है। तो मेथड क्या होते हैं? मेथड इज़ अबाउट अप्लाइंग एन अप्रोच, ठीक है। उस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए हम मेथड को यूज़ करते हैं। मेथड के अंदर आती है टेक्निक्स, यानी किन किन टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं उस मेथड को अप्लाई करने के लिए। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि मेथड जो होते हैं काफ़ी सिस्टमैटिक होते हैं, और जो अप्रोच होते हैं उस अप्रोच को, जैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसको हम डायरेक्ट मेथड के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं, हम बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी अप्रोच में हम दो तीन या अलग अलग मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द लैंग्वेज, देन द लर्निंग ऑफ वोकैबुलरी। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच इस चीज़ पे बेस्ड है कि जब हम किसी बच्चे को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहे हैं, जैसे इंग्लिश, तो उसमें बच्चे को उस लैंग्वेज के जो स्ट्रक्चर है उसमें मास्टरी अचीव करनी चाहिए। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी को सीखने की तुलना में, यानी वोकैबुलरी की तुलना में उस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। स्ट्रक्चरल अप्रोच टू टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश मीन्स टीचिंग ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश टू द स्टूडेंट। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो उसका मकसद ही है, या स्ट्रक्चर अप्रोच सिखाना मतलब है कि बच्चे को उस लैंग्वेज के बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें सिखाना है। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट अरेंजमेंट और पैटर्न ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चर। यानी कि अगर जो कोई हर एक लैंग्वेज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपने अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का, पैटर्न होता है वर्ड्स का, वो यानी आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि हर एक लैंग्वेज में अपने स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, ठीक है। यानी कि जो भी शब्द हैं इंग्लिश के शब्द, उनको हम किस तरह से अरेंज कर रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट ही स्ट्रक्चर होता है। एक एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझेंगे। जैसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि You are there, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, You are there, तुम वहाँ हो। अगर हम इसके अरेंजमेंट को चेंज कर दें, हम कहें Are you there, तो देखिए पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया। क्या तुम वहाँ हो, अभी एक प्रश्न बन गया कि क्या तुम वहाँ हो। तो अरेंजमेंट, यही स्ट्रक्चर है कि अरेंजमेंट जो है शब्दों का, वो स्ट्रक्चर और उसको चेंज करने से एक मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। अगर हम दो भाषाओं के बारे में बात करें कि हर एक भाषा में स्ट्रक्चर अलग होता है, स्ट्रक्चर पैटर्न अलग होता है, तो जैसे अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं कि दे ईट बनाना, ये जो पैटर्न है वो है SVO पैटर्न, ठीक है। ये आगे चल के आप समझेंगे कौन कौन से पैटर्न होते हैं। तो SVO पैटर्न क्या है कि S से सब्जेक्ट, V से वर्ब और O से है ऑब्जेक्ट। दे हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब, और बनाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलें तो वहाँ पे जो पैटर्न है या अरेंजमेंट है वर्ड्स का वो अलग है। इसी बात को हम हिंदी में बोलेंगे वे केला खाते हैं, ठीक है। अब वे वहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो पैटर्न वो हो गया एस
वी, यानी पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया वे, फिर हो गया केला जो है ऑब्जेक्ट, फिर है खाते हैं जो कि है वर्ब। तो देखा आपने कि पैटर्न चेंज हो गया। इसी तरह अगर हम किसी और भाषा में देखें, स्पेनिश हो गया या जापानीज हो गया या चाइनीज भाषा होगी, उस सब के पैटर्न जो होते वो थोड़े बहुत चेंज होते हैं। तो हर एक भाषा का, ये तो आपको पता है कि हर एक भाषा का अपना स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, हर एक भाषा जो अपने आप में यूनिक है। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गए होंगे कि स्ट्रक्चर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्ट्रक्चर आर सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड प्रॉपरली बिफोर टीचिंग देम, यानी कि ये जो अप्रोच है वो इस बात पे फोकस करती है कि जब हम बच्चों को स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं तो उनको प्रॉपरली एक ग्रेडेड वे में सिखाएं। ठीक है, ग्रेडेड मतलब पहले आसान सिखाएं, फिर उसमें थोड़ा एडिशन करके सिखाएं, फिर और एडिशन करके सिखाएं। जैसे अगर मान लिया हम ये बोल रहे हैं कि ही इज़ हेयर, फिर ही इज़ हेयर एंड ही इज़ डूइंग वर्क, फिर हम और उसमें कुछ ऐड करके सिखा सकते हैं, यानी कि ग्रेड एक ग्रेडेड वे में जो है वो स्ट्रक्चर्स को सिखाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ओरल और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को ओरल मेथड भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड में स्पीकिंग पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इसको ओरल मेथड भी कहा जाता है। तो ओरल और डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज मोस्ट सूटेड टू टीच स्ट्रक्चर्स, यानी अगर हमें स्ट्रक्चर्स सिखाने हैं बच्चों को तो उसके लिए डायरेक्ट मेथड को बहुत अच्छा मेथड माना जाता है इस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए। द स्टूडेंट कैन लर्न इंग्लिश मोस्ट ईजिली एंड इफेक्टिवली बाई दिस अप्रोच। अब जिन्होंने स्ट्रक्चरल अप्रोच को सपोर्ट किया है उनका मानना है कि स्टूडेंट्स को हम इंग्लिश जो है बहुत इजीली सिखा सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव वे में सिखा सकते हैं इस अप्रोच का यूज़ करके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच कैन आल्सो बी यूज इन बाइलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। स्ट्रक्चरल अप्रोच को हम अप्लाई करने के लिए बाइलिंगुअल मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच में हम बाइलिंगुअल मेथड को भी यूज़ करते हैं। बाइलिंगुअल मेथड आपको पता है जिसमें हम दो लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे थे, मदर टंग को और इंग्लिश जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है। बस ये था कि मदर टंग केवल टीचर यूज़ करते हैं समझाने के लिए, तो वो हम इसमें जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें भी हम इस रूल को फॉलो करते हैं। एक नोट करने वाली बात है कि मेथड ऑफ टीचिंग इज कंसर्न्ड विथ हाउ टू टीच बट अप्रोच इज कंसर्न्ड विथ व्हाट टू टीच, यानी दोनों में डिफरेंस क्या होता है मेथड ऑफ अप्रोच में, कि मेथड क्या होता है कि हमें कोई चीज़ सिखानी है, जैसे हमें इंग्लिश सिखानी है तो मेथड कंसर्न करता है इस बात से कि हम कैसे सिखाएं, जबकि अप्रोच किस बात से कंसर्न करती है कि हमें क्या सिखाना है। जैसे हमारी अप्रोच है कि हमें इंग्लिश सिखाना है, अब हम मेथड यूज़ करेंगे इंग्लिश को सिखाने के लिए कि कैसे सिखाना है, हम स्टेप्स कुछ फॉलो करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए। तो ये लाइन अगर आप याद रखें तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे मेथड और अप्रोच में डिफरेंस में। इट इन्वॉल्व कंटेंट ऑफ टीचिंग, इट सेलेक्शन एंड ग्रेडिंग। अप्रोच जो होती है उसमें क्या होता है, जो भी टीच हमें सिखाना है वो कंटेंट इन्वॉल्व होता है, सिलेक्शन इन्वॉल्व होता है और ग्रेडिंग इन्वॉल्व होती है। तो अप्रोच के अंदर मेथड आते हैं, मेथड के अंदर टेक्निक्स आते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल माइंड में याद रख लीजिए क्योंकि इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट अपॉन द डायरेक्ट मेथड, यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसने डायरेक्ट मेथड को इम्प्रूव किया। किस तरह से इम्प्रूव किया, इट इज़ ट्रू दैट द टू आर सिमिलर इन मैनी वे बट इन स्ट्रक्चरल अप्रोच हैज़ द न्यू अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रामेटिकल फॉर्म इंस्टीड ऑफ द ओल्ड जम्बल ऑफ अनसेलेक्टेड स्ट्रक्चर, द डायरेक्ट मेथड इज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड। क्या है कि बहुत लोगों का मानना है या आपको भी लगेगा कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है वो डायरेक्ट मेथड से काफ़ी तरह से सिमिलर है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसमें हमने न्यू अरेंजमेंट किए स्ट्रक्चर्स को के, और ग्रामेटिकल फॉर्म जो है जिसका बिल्कुल भी उतना फोकस नहीं किया गया था डायरेक्ट मेथड में। देखो डायरेक्ट मेथड में क्या था कि हम बच्चों को फ्री हमने आज़ादी दी थी कि भाई इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी कैसे भी बोलो पर आप इंग्लिश में ही बोलो, लेकिन स्ट्रक्चर मेथड में क्या किया गया, इंग्लिश बोलने पर जोर दिया गया लेकिन आप ग्रामेटिकली वो सही होनी चाहिए क्योंकि हम बच्चों को पूरा एक स्ट्रक्चर सिखाते जो कि हम
उनको बताते हैं जो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होता है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही था कि हमने न्यू अरेंजमेंट करके स्ट्रक्चर्स बनाए, उनको बच्चों को सिखाने की कोशिश की, और ग्रामेटिकल वे से भी वो बिल्कुल सही हो इस बात पे फोकस किया गया। तो डायरेक्ट मेथड को बहुत अच्छे तरीके से इस अप्रोच के द्वारा इम्प्रूव किया गया। स्ट्रक्चर शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ सेंटेंसेस। सेंटेंस इज अ ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। स्ट्रक्चर्स नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल ऑर्डर। कैसे? देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, वेल डन, थैंक यू, वेरी गुड, है ना, ये सब क्या है? ये सब स्ट्रक्चर है। अभी आप टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये जैसे मैंने बोला था कि दे ईट बनाना, तो ये तो एक सेंटेंस भी हो गया, है ना। लेकिन सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस काफ़ी बड़े भी होते हैं और ग्रामेटिकली वो बिल्कुल एक ऑर्डर में होते हैं, जबकि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके कुछ टाइप ऐसे हैं कि स्ट्रक्चर नीड नॉट हैव एनी ग्रामेटिकल ऑर्डर। यानी ज़रूरी नहीं है कि उसमें ग्रामेटिकल ऑर्डर को ही वो फॉलो करें। जैसे गुड मॉर्निंग, तो ये इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है ग्रामेटिकल ऑर्डर जैसा वेल डन या थैंक यू। तो ये सब क्या है? ये सब स्ट्रक्चर, जैसे ईडियम हो गए, हमारे फ्रेसेस हो गए, वो सब भी स्ट्रक्चर की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे देखते हैं। इन स्ट्रक्चर वर्ड अरेंजमेंट इन अ प्रॉपर ऑर्डर कन्वे देयर मीनिंग एंड द हियरर और द लर्नर अंडरस्टैंड दैम। यानी अगर हम बात करें, अब आप सोच रहे हो ग्रामेटिकली ऑर्डर, ग्रामर ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या है, मतलब कैसे सही होगा हमारा सेंटेंस? तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं? उसमें इस तरह से हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं इन प्रॉपर वे में कि उस वो मीनिंगफुल रहें। जो भी सुन रहा है या जो वो सीख रहा है उन स्ट्रक्चर्स को, उनके उनको वो समझ में आए और एक तरीके से कह सकते हैं मीनिंगफुल हो, ठीक है। इन दिस वे दीज स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ एन लैंग्वेज। इस तरह से क्या है, स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में। वी कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय स्ट्रक्चर। यानी कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर। स्पीच एंड ओरल वर्क इज द कोर ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। यानी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है उसमें स्पीच और ओरल वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि अदर स्किल्स को इसमें सिखाया नहीं गया है, इस अप्रोच के द्वारा सिखाया नहीं जाता या इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, नहीं, उनको भी बराबर इम्पोर्टेंट दिए गए। लेकिन जो मेन है इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में वो है स्पीच और ओरल वर्क। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। फर्स्ट है, द सेंटेंस पैटर्न ऑफ इंग्लिश इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सेंटेंस पैटर्न ऑफ अवर लैंग्वेज टर्न। जो कि हम इसे पहले समझ चुके हैं हिंदी और इंग्लिश में किस तरह से लैंग्वेज पैटर्न जो होता है वो अलग होता है। सो द स्टूडेंट शुड बी टॉट द करेक्ट एंड प्रॉपर वे ऑफ अरेंजिंग वर्ड इन अ सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों को सही पैटर्न सिखाएं। इंग्लिश जब हम सिखा रहे हैं तो इंग्लिश का सही पैटर्न सिखाएं। इट कैन नॉट बी टॉट बाई टेलिंग दैम द रूल ऑफ अरेंजमेंट बट बाई गिविंग दैम एम्पल प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग। यानी कि इस सिद्धांत पर ये काम करता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम रूल्स बता देंगे ग्रामर के और अरेंजमेंट के वर्ड्स के तो बच्चे सीख जाएंगे, बल्कि एम्पल प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराना भी ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल है, स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। यानी कि इस सिद्धांत पे स्ट्रक्चरल अप्रोच काम करती है कि एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में स्पीकिंग का या स्पीच का बहुत बड़ा भाग होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है स्पीच। थर्ड है, पीपल्स एक्टिविटी इन लर्निंग द लैंग्वेज इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द टीचर्स एक्टिविटी इन टीचिंग द लैंग्वेज। यानी कि जब एक बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहा है तो उसमें टीचर की एक्टिविटी से ज़्यादा उस बच्चे की या उन लोगों की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। ऐसा नहीं कि टीचर आया, उसने सिखाया और वो चला गया, लेकिन अगर बच्चे उसमें एक्टिविटी नहीं कर रहे, बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बच्चे सीख नहीं रहे, बोल नहीं रहे,
वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा उस फॉरेन लैंग्वेज को सीखना। तो ये तीन प्रिंसिपल्स हैं जो कि स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉलो करती है। अब एक नोट करने वाली बात है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ओरल अप्रोच और न्यू अप्रोच। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इसको ओरल अप्रोच भी कहा जाता है और न्यू अप्रोच भी कहा जाता है। ओरल अप्रोच क्यों कहा जाता है, इसमें देखिए ओरल का मतलब होता है हेयर यानी कि सुनना, और ओरल का मतलब तो आप जानते हैं बोलना। तो क्योंकि इस मैथड में बोलने पर स्पीच पे स्पीकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, इसलिए इसको ओरल अप्रोच भी कहते हैं। और आप प्लीज़ इसका मतलब याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आया है, उसे पूछा भी गया है कि ओरल का क्या मतलब होता है। तो ओरल अप्रोच क्या हो गया, ओरल मतलब सुनना और ओरल मतलब बोलना। अब देखिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की, यानी कि स्ट्रक्चर अप्रोच में कौन कौन से स्ट्रक्चर सिखाए जाते हैं, कितने टाइप के स्ट्रक्चर जो हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग फोर कैटेगरीज। स्ट्रक्चर्स को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सेंटेंस पैटर्न। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि पैटर्न क्या होता है। देयर आर अबाउट 275 बेसिक लैंग्वेज पैटर्न और सेंटेंस स्ट्रक्चर विच अ पीपल इज रिक्वायर्ड टू नो। यानी कि इंग्लिश में 275 बेसिक लैंग्वेज पैटर्न है जो कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख रहा है। दे आर डिवाइडेड इंटू 7 पार्ट एज फॉलोज। यानी ये जो 275 बेसिक पैटर्न हैं उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेवन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, पहला है पैटर्न हैविंग SVS। तो SV ऐसा पैटर्न जिसमें SV है। SV क्या है, जैसे ही गोज, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट और गोज हो गया हमारा वर्ब। सेकेंड पैटर्न है SVO। SVO क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे ही ईट्स फूड या ही ईट्स बनाना जो मैंने आपको बताया था। तो उसमें क्या हो गया, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब और फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पैटर्न है SVOC। एस सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट और सी। सी क्या होता है, सी होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन, कोई नाउन हो लिखा हो सकता है या कोई एडजेक्टिव लिखा हो सकता है। जैसे यहाँ पे है सीता गेव मी अ पेन, तो सीता तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, गेव हो गया हमारा वर्ब, मी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और पेन जो हो गया वो हो गया हमारा नाउन, है ना। तो इसमें सी पे हम किसी नाउन को भी रख सकते हैं या किसी एडजेक्टिव को भी रख सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा SVC। SVC जैसे देयर इज अ बॉय, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है SVOC। SVOC सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे जॉन मेड जॉनी एंग्री। अब एंग्री देखिए, एंग्री क्या, एंग्री एक एडजेक्टिव है, है ना। तो सी में मैंने जैसे बताया कि नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है। और सिक्स पैटर्न है हमारा SVA। SVA सब्जेक्ट वर्ब और ए डिनोट करता है एडवर्बियल को, एडवर्बियल जैसे कि बर्ड, फ्लाई इन द एयर, या हो सकता है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। एडवर्बियल क्या हो गया, जैसे इन, ऑन, अपॉन, अंडर, बिलो, अप, डाउन, ये सब एडवर्बियल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए किसी पैटर्न में कि इनका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको सेंटेंस दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सेंटेंस पैटर्न है, तो आप उसको बता पाएंगे। लास्ट हमारा सेवन्थ पैटर्न है SVOA, जिसमें है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, जैसे कि आई कॉल्ड हिम इन द रूम। तो इन द रूम हमारा क्या है, एडवर्बियल है, आई सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब है और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको फुल फॉर्म भी लिख दिए, एस हो गया सब्जेक्ट, वी वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, सी कॉम्प्लीमेंट जिसमें नाउन आ सकता है या एक एडजेक्टिव आ सकता है, और ए होता है एडवर्बियल। सेकेंड टाइप है हमारा, हम लोग स्ट्रक्चर के टाइप पढ़ रहे थे, पहला क्या था हमारा सेंटेंस पैटर्न, सेकेंड है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूले आर जेस्चर विच आर यूज्ड ऑन सर्टेन ओकेजन्स। यानी फॉर्मूले क्या होते हैं, कुछ ऐसे जेस्चर हैं जो कि हम कुछ निश्चित ओकेजन्स पे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाउ आर यू,
थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड नाइट या गॉड ब्लेस यू, ये सब क्या है? ये फॉर्मूला है, तो ये भी क्या है? स्ट्रक्चर ही है. थर्ड है हमारा फ्रेज स्ट्रक्चर. तो फ्रेज स्ट्रक्चर क्या है कि दे आर डिवाइडेड इंटू फोर पार्ट. अब फ्रेज स्ट्रक्चर्स को भी फोर पार्ट में डिवाइड किया है. पहला टाइप है आंसर टू हाउ, हाउ मैनी या हाउ मच. यानी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए जिसमें हाउ मैनी हाउ मच है तो आप कैसे आंसर करते हैं? जैसे अ हैंडफुल, अ हीप, यानी मेरे पास मुट्ठी भर है या मेरे पास ढेर भर है. तो ये सब क्या है? ये सब भी स्ट्रक्चर है, फ्रेजल स्ट्रक्चर्स हैं. बी है आंसर टू व्हाट, व्हाट का आंसर के लिए जैसे लाइक टू डू इट या विश टू डू इट. आंसर टू वेयर जैसे नियर द टेबल, अंडर द टेबल, ठीक है. और फोर्थ है आंसर टू व्हेन, व्हेन के लिए आंसर करना जैसे ऑन द 15th अगस्त या ऑन द 12th जून. तो ये सब क्या है? ये हमारे फ्रेज स्ट्रक्चर हो गए. और लास्ट है हमारा ईडियम्स. ईडियम्स यानी कि लोकतियाँ जिन्हें कहा जाता है. ईडियम्स लाइक बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन. जैसे हिंदी में हो गया कि चांदी के चम्मच लेके पैदा हुआ है कहते हैं ना लोग, और जैसे एक तीर से दो निशाने लगाना. तो ये सब क्या है? ये सब भी हमारे स्ट्रक्चर हैं. तो ये फोर टाइप्स थे स्ट्रक्चर के. तो अब फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के कैरेक्टरिस्टिक्स, डीमेरिट्स, मेरिट्स ये सारे आपको इस अप्रोच के बताऊँगी. और यहाँ तक आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा. तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स.